नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर चित्र लेकर आई हूँ। इसे ध्यान से देखिए और बताइए कि ये कहाँ का चित्र है। बहुत अच्छे, आपने ठीक पहचाना, यह एक बगीचे का चित्र है। बच्चों, क्या आप कभी किसी बगीचे में गए हैं? बच्चों, बगीचे में आपको कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, गिनकर बताइए। बिल्कुल सही, चित्र में आपको 1, 2, 3, 4 चार पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में आपको पेड़ और पौधों पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, इस चित्र में पेड़ और पौधों पर आपको फल, फूल और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। अब इस चित्र को देखिए, यह एक पौधे का चित्र है जिसमें आपको पौधे के अलग अलग भाग दिखाई दे रहे हैं। फूल, तना, पत्ता, फल और जड़। बच्चों, आपने अपने घर के आसपास, सड़क के किनारे, स्कूल के मैदान में ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे। आप ये बताइए कि क्या सभी पेड़ पौधों के पत्तों का आकार एक जैसा होता है? अब आप इस चित्र को देखिए। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि सभी पौधों के पत्तों का आकार एक जैसा नहीं है। कुछ पत्ते चौड़े हैं और ऊपर से कटे हैं, जबकि कुछ पत्ते लंबे हैं, कुछ पत्ते किनारों से नुकीले हैं। ऐसे ही बहुत सारे पत्तों के बारे में आज आप अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 4 पत्ते ही पत्ते में अपनी शिक्षिका के साथ पढ़ेंगे।